सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा बकचोदी नहीं होने वाली है, क्योंकि वीडियो में माल मसाला भी ज़्यादा होने वाला है। लेकिन जितना माल मसाला वीडियो में होगा, उतना ही YouTube की नज़र इस वीडियो पे ज़्यादा पड़ेगी, तो कॉपीराइट पड़ने की भी चांसेस ज़्यादा है। तो प्लीज़ यार, जल्दी से जाके सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करके आ जाओ, क्योंकि अगर इस चैनल को कुछ भी होता है और वो चैनल आप तक नहीं पहुंच पाया, तो आपको इतनी बढ़िया बढ़िया थ्योरी, इतनी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन नहीं देखने को मिलेगी। तो उन सबको मिस ना करने के लिए जल्दी से जाके सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करके आ जाओ, एंड इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लेना यार, क्योंकि क्रश के आगे स्वैग भी तो मारना है। सो या, अब बिना किसी बकवास के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने लेटेस्ट चैप्टर 67 के अंदर देखा था हमारे कोड की कितनी मस्त धुलाई हुई थी। पहले हमारा बोरुटो से पीटता है, फिर बोरुशिकी उसे पीटता है, एंड देन हमारा कावाकी भी उसे पीटता है। आसान भाषा में कहूँ तो जो हमारा कोड है वो काफ़ी ज़्यादा ही कमज़ोर है। उसमें पावर तो काफ़ी ज़्यादा ही है, हमें पता है उसकी पावर कितनी ज़्यादा है। नरुटो जैसे को मतलब कुत्ता बना के मारता है, एंड भाई मुझे तो सास्के के लिए तरस आ रहा है, उस बेचारे का क्या होगा। तो गाइज, ये वीडियो होने वाला है एक पूरे के पूरे आर्क पर, जो कि मैंने खुद ने सोचा है, क्योंकि हमें पता है यार टाइम स्किप जल्दी आने वाला है। जिस हिसाब से हमारी वॉल्यूम्स बची हुई है, जिस हिसाब से इन मांगा चैप्टर्स कवर करने हैं, तो उस हिसाब से तो हमारा टाइम स्किप काफी ज्यादा ही नजदीक है। चैप्टर्स नजदीक है ओके, क्योंकि एक चैप्टर एक महीने में आता है, तो उस हिसाब से तो काफी दूर है। खैर, इतना कुछ हो गया, लेकिन अभी तक हमारे बोरुटो को ना ही उसका स्कार मिला है, एंड ना ही कुछ जोगान भोगान का सीन। तो यार, जोगान का कारण तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं, जोगान मांगा में नहीं दिखने वाला है, क्योंकि यार इतने चैप्टर्स निकल चुके हैं और एक बार भी जोगान का डेब्यूट नहीं दिखाया हमारे बोरुटो के पास, तो जोगान को तो भूल जाओ। लेकिन अगर बात करें हम बोरुटो के स्कार की, तो वो तो कन्फर्म है भाई, वो तो बोरुटो को मिलेगा ही। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल दिस स्टफ। तो हमें पता है लेटेस्ट चैप्टर में हमारे कोड ने कावाकी को धमकी दी थी कि मैं अपने लिमिटर्स हटवाऊंगा, क्योंकि भाई हमें पता है यार हर कोई आके कोड का कुत्ता बना रहा है, तो उसे लिमिटर्स तो हटवाने पड़ेंगे। एंड हमारे कोड भैया के लिमिटर्स तो एक ही बंदा हटा सकता है, और उस बंदे का नाम है अमाडो बुड्ढा, या फिर कहे तो अमाडो सुट्टेबाज। एंड अमाडो इस वक्त कहाँ पर है? हमारे हिडन लीफ विलेज, यानी कि कोन्हा का कुरे में। तो देखो, कल की वीडियो में हमने काफी चीजें डिस्कस करी थी, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन फ्लैश हुआ होगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। सो अगर उसे उसके लिमिटर हटवाने हैं, तो उसे सबसे पहले जाना पड़ेगा अमाडो के पास, यानी कि कोन्हा विलेज के अंदर उसे इन्फिल्ट्रेट करना पड़ेगा। एंड उसने हमारे सिकामारू के ऊपर लगा रखा है क्लॉ मार्क, क्योंकि भाई दुश्मन की जान ऐसे थोड़ी बगसते है। तो भाई कोड उसके लिमिटर हटवा के ही रहेगा, आज नहीं तो कल तो उसके लिमिटर हटने ही है। एंड ये सब मुमकिन होगा हमारे शिकामारू की वजह से, क्योंकि हमें पता है भाई शिकामारू का मत्था कितना खराब होगा, क्योंकि हमारे अमाडो ने काफी चीजें लीफ विलेज से छुपाई है, जैसे कि हमारे कावाकी को उसने कर्मा दे दिया, और वो काफी ज्यादा साइंस की चीजें जानता है। एंड डायमोन एंड एडा के बारे में भी हमारा शिकामारू उनसे पूछने जाएगा और उसका डिमांड लेगा। तो ऐसा हो सकता है ना कि उसी वक्त हमारा कोड आए एंड शिकामारू को वहीं टपका के, या फिर कहे तो शिकामारू का कुछ कांड वांड करके हमारे अमाडो को उसके साथ ले जाए। एंड अभी वीडियो में काफी कुछ मसाला बाकी है, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, या फिर वीडियो को छोड़ के मत जाना। तो अब आप सोचोगे भाई कि हमारे कोड को कैसे पता होगा कि अभी शिकामारू अमाडो के पास में ही खड़ा है। तो ये तो आपको पता ही है, हमारा कोड उसके किसी भी बॉडी ऑर्गन को उसके क्लॉ मार्क से आर पार कर सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि वो उसकी आंख, या फिर कहे तो उसके एक कान को उसमें से निकाल ले, ठीक वैसे ही जैसे वो एडा के साथ करता है। सो ऐसे तो वो उसकी लिमिटर हटवा देगा एंड अमाडो को भी कैप्चर कर लेगा। लेकिन अब आते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक पर, कि अब क्या होगा। तो देखो, जब अमाडो उसका लिमिटर हटवा देगा, तो हमारा कोड जाएगा बोरुटो को कैप्चर करने। एंड भाई बोरुटो कोई छोटा मोटा चोमो तो है नहीं जो उसको ऐसे ही कैप्चर करने देंगे। हमारे बोरुटो को कर दिया जाएगा क्वारंटाइन, या फिर कहे तो उसको काफी ज्यादा ही सिक्योरिटी दे दी जाएगी। उसे किसी ऐसी जगह पर लॉक कर दिया जाएगा जहाँ पे कोई आ नहीं सकता अपने क्लोमार या फिर किसी भी तरीके के टेलीपोर्टेशन जुत्सु से। एंड लिमिटर हटाने के बाद जब हमारा कोड आता है हिडन लीफ विलेज में, तो वो अभी के कावाकी जितना स्ट्रांग तो हो ही गया होगा। एंड हमें पता है जो हमारा कावाकी है वो काफी ज्यादा इंजर्डेड है, तो इसका मतलब कोड उसे पेल देगा। और अगर कोड भी नहीं पेल पाता है, तो हमारा डायमोन किस काम का है? डायमोन उसकी चटनी बना देगा। लेकिन जब हमारा अमाडो शिकामारू से बातचीत कर रहा होगा, तो हमारे शिकामारू को उसने बताया होगा हमारे डायमोन की वीकनेसेस के बारे में, क्योंकि उसी ने तो उसे बनाया है, तो शायद इसका फायदा कोई ना कोई उठा ले। लेकिन वो राज भी हमारे शिकामारू के साथ दफन हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। अब वीडियो का सबसे बेस्ट टेस्ट पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, जब हमारा कोड काफी ज्यादा ही दवाई मचा रहा होगा, कावाकी ऑलरेडी पिल चुका होगा, एंड ये जितने भी छोटे मोटे बच्चे हैं चोमू चोमू ये कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे कि हमारे सारदा एंड मित्सुकी। एंड वही अगर हम बात करें एल्डर्स की, यानी कि सास्के एंड नारुतो की, तो वो थोड़ा बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन भाई वो जिगेन को नहीं हरा पाए, तो वो हमारे कोड को भी नहीं हरा पाएंगे। और हो सकता है इस बैटल के दौरान हमारे उचिया सास्के कुन मारे जाए। एंड भाई नारुतो की तो बात ही छोड़ दो भाई, सेज मोड बस दिखाने के लिए लेके गया था यार ये, कुछ करा नहीं इसने सेज मोड से, बस हाँ भाई हमारे पास सेज मोड है, चलो भाई चल दिए। तो भाई नारुतो का तो ये सीन है, बस सेज मोड बना लेते हैं और कुछ करते नहीं है यार। हमारा ओजी वाला नारुतो देखो, हमारा शिपुडन वाला नारुतो देखो भाई, सबकी ऐसी तैसी कर देता था, एंड अब भाई क्या करूं इसका मैं। एंड हो सकता है हमारा नारुतो भी काफी ज्यादा ही पिल जाए, एंड उस वक्त हमारा कोड सबसे एक ही बात पूछ रहा होगा, बोरुटो उज़ुमाकी कहाँ पर है।
बोरुटो उज़ुमाकी कहाँ पर है? अगर आपको ये लाइनें सुनकर याद नहीं आया कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो आपने नारुतो अच्छे से नहीं देखा है। मेरा मतलब है मेरे जितना चाट के नहीं देखा है। और अगर आप यहाँ पर समझ चुके हो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो कमेंट करके जरूर से बताना। तो देखो भाई, जब हमारे बोरुटो के बारे में इतनी बात चल रही होगी, तो हमारा कोनो हमारे सोचेगा कि बोरुटो को यहाँ पे लाना एक अच्छी बात होगी, क्योंकि भाई बोरुटो भी कोई कम बंदा नहीं है। उसने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है, वो भी काफी ज्यादा ही स्ट्रांग है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो वैसल है हमारे मोमोटे की सेनपाई का। तो इस पूरी फाइट के अंदर हमारा मोमोशिकी बस एक काम करेगा, वो होगा हमारे बोरुटो की हर तरीके से हेल्प। क्योंकि अगर उसने बोरुटो की हेल्प नहीं करी तो वो भी मारा जाएगा, अगर बोरुटो मारा गया तो। और उसने लेटेस्ट चैप्टर में चीज कंफर्म ऑलरेडी कर दी है कि वो नहीं चाहता कि उसका बोरुटो मरे। एंड अगर आप थोड़ा और डीप में जाओगे तो वहां पे मौजूद होगा डायमोन भी, और डायमोन की पावर आप जानते ही हो कितनी खतरनाक है। लेकिन भाई डायमोन को हमारा बोरुटो नहीं हरा पाएगा, लेकिन डायमोन को हरा सकते हैं हमारे मोमोटे की सेनपाई। हमारे मोमोटे की सेनपाई काफी ज्यादा एजेंट है, वो अपनी ब्याकुगान की हेल्प से हमारे डायमोन की वीकनेस पता लगा ही लेंगे, क्योंकि हमारे मोमोटे की सेनपाई का जो ब्याकुगान है वो कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। तो भाई बोरुटो वर्सेस डायमोन में काफी खतरनाक वाली ही बैटल चलने वाली है, लेकिन इन दी एंड साइड डायमोन का कुछ कांड होने वाला है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे डायमोन का कुछ कांड हो सकता है हमारा कोड उसे वापस भेज दे। लेकिन फिर आती है मेन फाइट, कोड वर्सेस बोरुटो। इस फाइट में ही जो होना होगा वो होगा। एंड इस फाइट के अंदर हमारे मोमोटे के सेनपाई हमारे बोरुटो का कुछ ज्यादा अच्छे से ही मतलब कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, क्योंकि ये है डू एंड डाई वाली सिचुएशन। एंड इस फाइट में कुछ ज्यादा ही तबाही मचने वाली है। हो सकता है हमारा बोरुटो उसके प्रीशियस वंस को खो दे। एंड बोरुटो की ब्याकुगान पर लगने वाला है स्कार, और वो स्कार इसलिए लगेगा क्योंकि हमारा मोमोटे की सेनपाई बार बार उसकी ब्याकुगान से हमारे डायमोन की एबिलिटीज पता लगा रहा था। तो हो सकता है कोड्स के क्लो मार्क से हमारे बोरुटो को दे दे एक स्कार। एंड भाई स्कार मिलने के बाद हमारे मोमोटे की सेनपाई का गुस्सा काफी ज्यादा ही बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ब्याकुगान काफी ज्यादा कीमती है। एंड इसके बाद जो नहीं होना चाहिए था वो होगा, हमारा मोमोटे की सेनपाई पीटेगा हमारे कोड को कुछ ज्यादा ही। एंड कोड ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है, वो भी हमारे मोमोटे की सेनपाई को सारे अटैक को काउंटर करता रहेगा। एंड अटैक काउंटर करते 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 उन दोनों को जब पता लग जाएगा कि वो दोनों एक दूसरे को नहीं हरा सकते, तो जो हमारा कोड है वो चला जाएगा। और इस फाइट के दौरान काफी ज्यादा लोग हमारे बोरुटो के प्रीशियस वंस मारे जाएंगे, जैसे कि कोन हमारे सेन से। एंड कोड यहां पर एनी रिवर्स जुत्सु तो करने वाला नहीं है, जो हमारा, अरे शिट, मैंने यार सब आंसर बता दिया। खैर, हमारा कोड रैनी रिवर जुत्सु तो करेगा नहीं, जिस वजह से सारे के सारे लोग अलाइव हो जाए। तो भाई उस वजह से सभी के सभी लोग मारे जाएंगे। एंड दिस इज द मोमेंट वेयर बोरुटो लॉस्ट एवरीथिंग। आसान भाषा में, दोज ब्लूज आईज इवेंचुअली टुक एवरीथिंग फ्रॉम अवर बोरुटो। एंड मोमोशिकी हमारे बोरुटो को कह देगा, यही बारे में मैं तेरे को बताना चाह रहा था। मतलब भाई बोरुटो के सेंस से दोनों के दोनों, यानी कि कोना हमारू एंड सास्के उचिया मर जाएंगे, तो भाई ऑफकोर्स हमारे बोरुटो के साथ सब कुछ छीन लिया गया है। और हिमावारी जैसे कैरेक्टर को भी कुछ हार्म हो सकता है, जिसके बारे में हम कुछ ज्यादा कंफर्म नहीं है। लेकिन कोना हमारू एंड उचिया सास्के के बारे में मैं कंफर्म हूँ। या फिर जो हमारा अमाडो बुड्ढा है, वो भी कुछ चाल रच सकता है, लेकिन ज्यादातर मुझे चांस लग रहा है अभी के लिए तो वो हमारे कोड है। लेकिन जब ये सब चीजें होगी तो मैं आरजे उटाकू आप सभी को बताऊंगा कि क्या होने वाला है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा शीता।